समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। राजधानी भोपाल के जिला बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव के परिणाम देर रात घोषित हो गए हैं, जिसमें अध्यक्ष दीपक खरे, सचिव मनोज श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, सह सचिव सोनल नायक, कोषाध्यक्ष ब्रजविहारी रघुवंशी एवं पुस्तकालय अध्यक्ष सुधीर दुबे निर्वाचित हुए। सभी अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी। मैं संपूर्ण अधिवक्ता संघ भोपाल के समस्त अधिवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना मत समर्थन आशीर्वाद सहयोग मुझे दिया। और उन अधिवक्ताओं का भी करता हूं कि जो अभिभाषक संघ से, भोपाल अभिभाषक संघ से कंज्यूमर में, अपने टैक्सेशन बार में, अपने कोऑपरेटिव में, उधर भी वो काम करते हैं, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारी मतों से मुझे समर्थन दिया। पहली प्राथमिकता मैंने दो तीन जो चीजें कही है, यहाँ अपन खड़े हैं, यहाँ अंडरग्राउंड डबल स्टोरी पार्किंग की भी है, इसके साथ साथ एक वो अपना अधिवक्ता बीमा योजना है, उसके अलावा पार्किंग की समस्या, ये सारी चीजें रहेंगी, उनको करेंगे, उनके लिए बैठक व्यवस्था सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। दीपक भैया, आज मुझे जो स्नेह प्राप्त हुआ है, वह मेरे सभी सीनियर अधिवक्ता एवं मेरे साथी अधिवक्ता गण एवं समझ बहनों के द्वारा मुझे आज इतना प्यार दिया है, उसी प्यार के कारण आज मुझे प्रचंड बहुमतों से जीत हासिल हुई है। मैं अधिवक्ता हित के लिए अच्छे से अच्छे काम करूंगा। मैं सभी अधिवक्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपनी टीम का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, सबका असीम प्रेम मुझे प्राप्त हुआ। अब किसी प्राथमिकता मेरी सारी कार्यकारिणी के साथ मिलकर अधिवक्ता सम्मान के लिए कार्य करने की। मैं सबसे पहले सभी अधिवक्ता साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वोट दिया, और मैं इस पद के लिए जो जरूरी कार्य है वो बिल्कुल करूंगा अधिवक्ता हितों के लिए। अब पुस्तकालय में क्या नई व्यवस्था लेके आएंगे आप? पुस्तकालय के लिए मैं नया जो अपडेट वर्जन हुआ है, कानून में परिवर्तन हुआ है, वो सारी किताबें उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। सभी इस जिला अभिभाषक संघ के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतने भारी मतों से हमें विजय सराय दिलाई। मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।